नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय रेलवे में इस्तेमाल होने वाले डीजल लोकोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के प्राइस के बारे में। गाइस, रेलवे से जुड़े ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं WAP5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की। इस रेलवे इंजन पर दो लाल पट्टी होती हैं और ये दिखने में सफ़ेद कलर का होता है और इसकी कीमत 8 करोड़ रुपये है। हाँ, तो गाइस, अब बात करते हैं WAG9 की। ये हरे रंग का होता है और खूब मालगाड़ी खींचता है। इसकी कीमत है 15 करोड़ रुपये। गाइस, अब बात करते हैं WAP7 की। गाइस, ये देखने में सफ़ेद रंग का होता है, इस पर एक लाल पट्टी होती है और ये एक्सप्रेस ट्रेन में खूब इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, इसकी कीमत है 12 से 13 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं गाइस सबसे लेटेस्ट और पावरफुल इंजन की। तो गाइस, ये है WAG12। ये देखने में नीला है और इसकी कीमत 20 से 25 करोड़ रुपये है। अब बात करते हैं गाइस लेटेस्ट डीजल लोकोमोटिव की। ये है WDG4G। इसकी कीमत है 15 करोड़ रुपये और ये दिखने में रेड और ऑरेंज कलर का होता है। अब बात करते हैं गाइस पुराने डीजल लोकोमोटिव की, जो पुराने समय से लोड खींचता आ रहा है, वो है WDP4। गाइस, इसकी कीमत 13 करोड़ रुपये है और ये हल्का नीला होता है। तो गाइस, इससे पहले कि आप इनके बारे में, प्राइस के बारे में जानते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।